इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रवंदा टीटन लीग के आज के दिन के दोस्तों तीसरे मुकाबले की सीरीज़ का। दोस्तों ये छठा मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाने वाला है टीम तेलुगु रॉयल्स वर्सेस टीम राइट गार्ड सीसी के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से खिलाड़ी आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में पिक करके चल रहे हैं, कौन से खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग की टीम में पिक करके चल रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन किसको पिक करके चलना है। तो ओवरऑल आप अगर इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर विन करना चाहते हो तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हो। बाकी दोस्तों इतना मैं बता दूं कि जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए, फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मैच के वेन्यू की। तो ये मैच दोस्तों उसी ग्राउंड पे खेला जाएगा जहां पर इनके बाकी के मैचेस खेले गए, यानी कि गांगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि है किगाली में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस विकेट पे स्पिनर्स को मदद मिलेगा क्योंकि एक ही विकेट पर इनके सारे ही मैचेस खेले जाएंगे और एक दिन में 3 मैचेस खेले जाएंगे, तो समझ सकते हो कि स्पिनर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों ही टीम्स हैं कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं बात करूँ टीम TR की, तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने एक मैच खेला है और अपना पहला मैच ये दोस्तों विन कर भी आए हैं। जबकि मैं बात करूं यहां पे दोस्तों टीम RG की, तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने एक मैच खेला है लेकिन ये अपना पहला मैच हार कर आए, वो सिर्फ 1 रन से। तो देखा जाए यहां पे TR की टीम जो है थोड़ा सा बेटर कर सकती है RG के मुकाबले, तो आप ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो TR की ओर से पिक करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशन की शुरुआत कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो यहाँ पे दोस्तों पहला नाम निकल के आता है एस शिवा राव बोतला का, जो कि भाई TR की ओर से आते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई इन्होंने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया है अपनी टीम के लिए, किस नंबर पर आके बैटिंग की है, तो ये बंदा अपनी टीम के लिए लास्ट मैच में विकेट कीपिंग तो करता ही है और साथ में दोस्तों अपनी टीम के लिए ओपन भी करने आया था और अपनी टीम के लिए मैं बोलूँ तो सिर्फ 5 रन ही ये बना पाए थे। ओवरऑल लास्ट मैच में परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं रही लेकिन ये आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और T10 में जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अभी के लिए आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे त्यूजरे की, तो ये बंदा अपनी टीम के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करने आया था लेकिन बिना खाता खोले ही आउट हो गया था। माफ़ कीजिएगा 3 रन ही इन्होंने बनाए थे, लेकिन मेरे भाई आप इनको अगर चाहो तो लेके जा सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे एस शिवा को ही पिक करूँगा क्योंकि ये आपको बॉलिंग भी मतलब कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं जबकि जे तुजेरे सिर्फ आपको बैटिंग से पॉइंट देंगे। इसके अलावा यहाँ पर गोपी कृष्णा जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है। फिर नाम निकल के आते हैं यहाँ पे दोस्तों एल मुवुनी और यहाँ पे दोस्तों निशिन गुयावा का, तो इनमें से देखो कौन इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में देखो मेरे भाई दोनों प्लेयर्स लास्ट मैच में खेले जरूर थे लेकिन बैटिंग ऑर्डर दोनों ही प्लेयर्स का काफ़ी ज़्यादा नीचे है। हालांकि मुवुनी अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं पर बैटिंग बहुत ही ज़्यादा नीचे कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही विकेट कीपर इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर एस शिवा राव बोतला है। बाकी अगर आप तुजेरे को अपनी 4 मेंबर की टीम में रख सकते हो, ग्रैंड लीग की टीम में रख के जा सकते हो। बात कर लेते हैं बैटिंग की। बैटिंग से नाम निकल के आता है पहले यहाँ पे ओतू सिंगे का, जो कि लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए ओपन भी करने आते हैं और काफ़ी शानदार इनिंग खेलते हैं भाई, बल्ले से 37 रन बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने लास्ट मैच में गेंदबाजी की हुई थी, तो मेरे भाई इन्होंने लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की थी, सिर्फ बल्लेबाजी ही की हुई थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई करोगे। उसके बाद नाम निकल के आते हैं यहाँ पे दोस्तों दुसिंगी जिमाना का, जो कि अपनी टीम के कैप्टन भी हैं और ये भी आपको दोस्तों अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो इन्होंने भी मेरे भाई काफी शानदार इनिंग खेली है, अपने बल्ले से 16 ही रन बनाए थे लेकिन बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे रवूला इरफान और स्वामी लास्ट मैच में नहीं प्ले किए थे तो इनको आपको नहीं ट्राई करना है। फिर नीचे की ओर से आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं आर कुमार, एस वावन और यहां पर बी रुसागारा का, कि इन तीनों में आपके लिए कौन बेटर है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर बी रुसागारा की, तो लास्ट मैच में ना तो बैटिंग की ना तो बॉलिंग की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं TR की ओर से, तो इनकी ओर से भी देखो ना तो यहां पर आर कुमार ने लास्ट मैच में कुछ भी परफॉर्म किया था और यहां पर अगर मैं बात करूं
यवान की, तो इन्होंने भी मेरे भाई लास्ट मैच में कुछ भी परफॉर्म ना किया था, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। तो अभी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ दो ही बैट्समैन लेके चलिएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर खेलता है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी अभी के लिए दो ही बैट्समैन इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की। पहला नाम निकल के आता है मितारी का। मितारी लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे, हालांकि बल्ले से तो इन्होंने 17 ही रन बनाए थे। बाकी अगर मैं बात करूं गेंदबाजी इन्होंने कैसी की थी, तो मितारी ने गेंदबाजी से भी अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले थे। तो ओवरऑल आप इनको कैप्टन भी करके चल सकते हो, क्योंकि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं की टीम से एक और नाम निकल के आता है आर मोरम पूदी का, जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं। लास्ट मैच में मेरे भाई आर मोरम ने 2 ओवर की बॉलिंग जरूर की थी, लेकिन विकेट इनको 1 भी नहीं मिला था। लेकिन बॉलिंग ये प्रॉपर 2 ओवर की कर आए हैं, तो मैं यहाँ से दोस्तों इनको पिक करके चलूंगा। बाकी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे शिव भाई पटेल का, जिन्होंने लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ नियंग कुरू की, तो इन्होंने भी लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग जरूर की है, लेकिन विकेट इनको 1 भी नहीं मिला था। बाकी अगर मैं बात करूँ कि ये आपको किस नंबर पर बैटिंग करके देंगे, तो यहाँ पर कुरू की मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करने आते हैं और काफ़ी शानदार 26 रन की इनिंग भी खेलते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग आपको करके दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों टीम आरजी की ओर से। यहाँ पे पहला नाम निकल के आता है ऑलराउंडर सेक्शन से क्लिंटन का। क्लिंटन की मैं बात करूँ बैटिंग से, ये भाई नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे और बल्ले से इन्होंने अपनी टीम के लिए 8 रन बनाए थे। बाकी अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी की, तो क्लिंटन ने यहाँ पर गेंदबाजी भी की हुई थी 2 ओवर की, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम निकल के आता है निकारिया का, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग अपनी टीम के लिए की है और 1 विकेट भी इन्होंने निकाला है, तो हमें यहां से दोस्तों इनको भी पिक करके चलेंगे। बाकी नीचे से आपके सामने हैदर की ऑप्शन मौजूद है, इराकोज़े हैं जो कि लास्ट मैच में 2 ओवर किए थे पर काफी ज्यादा महंगे साबित रहे थे, जीएल में आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा मैं बोलूंगा यहां पे हैदर के बारे में कि आप हैदर को पिक कर सकते हो या नहीं, तो हैदर लास्ट मैच में ओपन करने आए थे, तो इस मैच में भी आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं। लास्ट मैच में ओपन करने आए थे तो 11 रन इन्होंने बल्ले से बनाए थे। बाकी गेंदबाजी की मैं बात करूं तो गेंदबाजी इनको दी नहीं गई थी, तो हो सकता है कि इस मैच में भी शायद गेंदबाजी ना करें, तो मैंने इनको प्रेफर नहीं किया है। बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग की, तो बॉलिंग में पहला नाम आता है अर्नोल्ड, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला था। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं आरजी की ओर से, तो यहां पर आते हैं इजेकल, जिन्होंने लास्ट मैच में 1 ओवर ही किया था, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी ओवरऑल नीचे से और कोई इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं यहां पर, ठीक है। एक और प्लेयर निकल के आता है जिसका नाम है दोस्तों आई में हमारी, इनको भी लास्ट मैच में कुछ भी खास मौका मिला नहीं था, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक और ऑलराउंडर ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इराकोज़े या फिर आप आदिल हैदर को ले सकते हो। तो इराकोज़े ने लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी की थी पर महंगे साबित हुए थे। बाकी हैदर ओपन करने आया था, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो हमारी दोस्तों यहाँ पे जो टीम है रेडी हो चुकी है, तो जैसा मैंने बोला था कि भाई आईआर की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैंने 7 खिलाड़ी इनकी ओर से लिए हैं और 4 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे दोस्तों टीम आरजी की ओर से लिए हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई की अपनी इस टीम में मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको पिक करके चलूंगा, कौन से प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं बेस्ट ऑप्शंस फॉर कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी। तो कैप्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो आप मितारी को कैप्टन कर सकते हो, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। वाइस कैप्टन आप यहां पे तो सिंगे को रख सकते हो, जिन्होंने लास्ट मैच में देखा जाए तो बैटिंग काफ़ी अच्छी की थी पर इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो जो कि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करके दे, तो आप लोग भाई मितारी की ओर से आप चाहो तो यहाँ पे नियंग कुरू एक प्लेयर है, इनको कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग करके दे सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे दोस्तों ये जो टीम है रेडी हो चुकी है, इसको सेव कर देते हैं और एक बार आप इसका पहले प्रीव्यू देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन हमने बना के रखा हुआ है, हमने भाई 7 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे भाई T10 के मैचेस में ऑलराउंडर ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। तो ये आपके सामने हमारा टीम कॉम्बिनेशन आप देख लो। ग्रे लीग में मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप ग्रे लीग में भी चेंज कर लेना। बाकी अगर लाइनअप या टॉस के बाद मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर होता है जो हमारी टीम से नहीं खेलता है, या फिर कोई ऐसा प्लेयर खेलता है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर नहीं बताया है, तो वो मैं आपको जो भी डिटेल होगी ना वो टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो
तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा। अभी के समय मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा और ये आपके लिए ज़रूरी भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, तो ये काम दोस्तों कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा जरूर दबा लीजिएगा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में कॉर्नर मैच को कवर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।